बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जिस किताब का इंडेक्स दे रहा हूँ वो लॉ एमसीक्यूज़ है सोहेल भट्टी साहब की, ठीक है जी। काफ़ी मोटी किताब है, देख लें। पहले हम इसके आखिरी सफ़े पे आते हैं। सफ़े कितने हैं अक्सर कस्टमर पूछता है जी, इसके 1408 सफ़े हैं, ठीक है जी। ये आपको हमसे 2275 की मिल जाएगी ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर। 3000 कीमत है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो हम सेंड करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। वो एक लंबी बहस है जी, कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं है। अगर कोई आपको दे रहा है तो वेल एंड गुड, हम नहीं दे रहे, डाकखाना पेमेंट नहीं करता। अब ये लॉ एमसीक्यूज़ के अंदर सिविल जज आ गया, एडिशनल आ गया, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी प्रोसिक्यूटर है, एडिशनल प्रोसिक्यूटर है, डायरेक्टर लीगल आ गया, FIA, NAB जो भी है, NTS आर प्रोसिक्यूटर लाज आ गया, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी इसके अंदर कौन कौन से दिए गए हैं। अभी इसकी कीमत जो सी है वो 3000 ही है और ये बढ़ जाएगी। इसके अंदर 65 लाज दिए गए हैं, CPC लिमिटेशन, SRA कानून शहादत, PPC, CRPC, कोर्ट फीस, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट रजिस्ट्रेशन देखी जाए, सेल ऑफ गुड, आर्बिट्रेशन, मोहम्मडन लॉ, पुलिस रूल, स्टैंप एक्ट, पंजाब टेनेंसी, कोऑपरेटिव काफ़ी हैं इसके अंदर, इतने बोले नहीं जा सकते। कोऑपरेटिव, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, इक्विटी, CNS, जुवेनाइल, प्रोबेशन, जेल मैनुअल, मेडिकल, करप्शन, एंटी करप्शन, काउंसिल, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, प्रीवियस पेपर आ गए, वेस्ट पाकिस्तान जनरल क्लासेस आ गया, प्रेमशन, फैमिली, FIA, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम आ गया, सेल टैक्स आ गया, फेडरल इनकम टैक्स, काफ़ी दिए गए। तकरीबन 65 लास्ट के MCQs हैं, ये सोहेल भट्टी साहब ने बनाई है। अब ये हमने, अब मैं आपको इसका MCQs दिखा रहा हूँ, देखें। ये किताब MCQs के साथ भरी पड़ी है, ज़्यादातर लोग MCQs की किताब मांगते हैं, इसमें 65 का मानी ना, 65 लाज हैं, इतनी मोटी किताब है। और ये काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है, सेल होती रहती है। आप ये देख सकते हैं MCQs भरे पड़े हैं इसके अंदर। अब मैं इसको फ्लो करके दिखा रहा हूँ आपको किताब का। ये मेडिकल जूसपुडेंस आ गई है, डिफरेंट लॉज के MCQs चलते पड़े हैं, ऐसा जवाब भी आता पड़ा है काफ़ी। हम अब आगे निकल गए हैं ना, ये देख लें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आखिर में जाके ना इस तरह हम आंसर की देते हैं, आंसर शीट देते हैं। अब हम इस किताब को खोलते हैं, दोबारा शफल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख लें, मैं थोड़ा नज़दीक करके इसको चला देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। उन्होंने कहा जी, पंजाब हाउ मैनी जेल्स आर लोकेटेड। कुछ कुछ मैं आपको MCQs दिखा रहा हूँ। दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 वाज प्रोमल्गेटेड ऑन 11 मार्च, 16 मार्च, 14 मार्च, 13 मार्च। जब पाकिस्तान बना था, जो पहला कानून पास हुआ था ना अडाप्टेशन ऑफ लॉज के बाद, यानी तमाम फरंगी के कानून हमने अडॉप्ट कर लिए थे अपने बनाने की बजाय, वो जो सेकंड कानून था ना, जिसे आप फर्स्ट कानून भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो अडॉप्टेशन ऑर्डर था फरंगी का, हमने कानून सारे अडॉप्ट कर लिए। तो पहला जो कानून था ना वो एंटी करप्शन एक्ट था। हैरत की बात है, जब गोरा हुकूमत कर रहा था तो एंटी करप्शन कानून की जरूरत नहीं थी, जैसे ही पाकिस्तान बनता है तो आपको एंटी करप्शन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ गई। Roman II लिखा हुआ उसके अंदर। ये कभी सोचा करें आप कि हम कितने करप्ट लोग हैं, आज से करप्ट नहीं है, 14 अगस्त 1947 से हम करप्ट हैं। ये जो थे लोग, सेटलमेंट कमीशन जो लोगों को जिदादे देता था, उसने करप्शन शुरू कर दी थी, पैसे खा के देता था। जोड़े कलमन सियाने से उस जमाने थे, उन्होंने पेमेंट करके तो जिदादा अपने ना लवा लिया। जेड़े कोई शरीफ सी साढ़े वर्गे मुँह बेचते रह गए। पहला जो करप्शन की बुनियाद इस मुल्क में रखी है ना, सेटलमेंट कमीशन ने रखी है, जिन्होंने महाजरीन को ज़मीनें बांटी हैं पूरे मुल्क के अंदर, मुंह खोले थे उन्होंने उस जमाने। एवें थोड़ी 1857 जो जवाल आया सी, एवं थोड़ी आ गया असी खुदा नु सजदा करिए तो खुदा सानू जलील कर देवे। यह किस तरह पॉसीबल है, इम्पॉसीबल है। अल्लाह ने हमें जलील नहीं किया, हमारी हरकतें हमारी करतूतें थी जिसकी वजह से दिल्ली फाल हुआ। वो हिस्ट्री हमें बताई नहीं जाती, वो जो मुगल बादशाह से औलाद की कर दी पे सी, की करतूत सी।
सदाम हुसैन की औलाद और मुगल बादशाह की औलाद, एक जैसी स्टोरियां इनकी बयान करेंगे तो फिर आग लगेगी। वो अपने आदि बरियां करते पे ने। बहरहाल मैं वापस आता हूँ, ये MCQs हैं, अगर आपको चाहिए होंगे आप हमसे मंगवा सकते हैं, नो मैटर, काफ़ी डाटा है इसके अंदर। मैं दोबारा आपको किताब ज़्यादा दिखा देता हूँ, ये देखें आप, ये सुहेल भट्टी साहब की सिविल जज गाइड भी है, सिविल जज ज्ञान सोल पेपर भी है इनके, ठीक है जी, ये जुडिशियल इंटरव्यू गाइड भी है सुहेल भट्टी की, ये इनके अनसोल पेपर हैं सुहेल भट्टी साहब के, जुडिशियल अनसोल पेपर, काफ़ी मोटी किताब है, देखें ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह ताला। तो हमें आप ऑनलाइन 2275 भेजेंगे तो हम यहाँ से आपको सेंड कर देंगे, कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते किताब पे हम, क्योंकि डाकखाना पेमेंट नहीं करता, वो बड़े मसले मसाइल ने, तुहानू किताब दे देगा, तुहाडे को पैसे ले लेगा, सानू पेमेंट नहीं करेगा, ए मसले बने इस मुल्क के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।